श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी, उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा। बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह से उनके लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे एक पौराणिक कथा है। आशा करती हूँ यह वीडियो आप पूरी देखेंगे। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नांग पर लेटे नजर आ रहे कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई थी। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। तो यह थी भगवान शिव के जन्म की कहानी। आशा है यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।